अग्निपथ स्कीम को लेकर देशभर में जबरदस्त विरोध हुआ था तो वहीं बीजेपी ने इस योजना को बड़े ही जोर शोर के साथ लॉन्च किया था अग्निपथ स्कीम का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हुआ था तो वहीं कांग्रेस ने इस योजना पर कई गंभीर सवाल उठाए थे जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंच गया था जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और आज अग्निपथ स्कीम को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया है तो अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को लेकर कोर्ट ने क्या कहा देखते हैं ये रिपोर्ट अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है कोर्ट के इस फैसले से मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है कोर्ट ने सभी तेईस याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस स्कीम को लाने का मकसद हमारी सेनाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने का है और ये देश हित में है वहीं जो लोग पुरानी नीति के आधार पर ही नियुक्ति की मांग कर रहे थे कोर्ट ने उनकी मांग को भी ये कहते हुए खारिज किया कि मांग जायज नहीं है दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निपथ स्कीम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर की थी आज दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया वहीं केंद्र ने अपना तर्क देते हुए कहा था कि अग्निपथ स्कीम डिफेंस रिक्रूटमेंट में सबसे बड़े नीतिगत बदलावों में से एक है मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 15 दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था दरअसल सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती पिछले साल 14 जून से शुरू की गई थी इस योजना के नियम के मुताबिक 17 से 21 साल के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं इन्हें चार साल के लिए सेना में शामिल किया जाएगा याचिकाकर्ताओं ने कि बाकी 75 प्रतिशत उम्मीदवार चार साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे और उनके लिए कोई योजना भी नहीं है पेश हुए याचिकाकर्ताओं में से एक ने 12 दिसंबर को तर्क दिया था छह महीने में मुझे शारीरिक सहन शक्ति विकसित करनी है और हथियारों का उपयोग करना सीखना है छह महीने काफी कम वक्त है हम राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसी समझौता करने जा रहे हैं डीबी लाइफ की रिपोर्ट